टॉपिक इज लीडरशिप पार्ट टू। थ्योरी जब पढ़ रहे हैं, सिद्धांत जब पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा भाग जिसमें आज हम पढ़ेंगे सिचुएशनल थ्योरी या स्थिति परक सिद्धांत, इसको हम परिस्थिति परक सिद्धांत भी कहते हैं, परिस्थिति या सिचुएशन। इसका जो मुख्य मीनिंग है, अर्थ समझो, स्थिति परक अर्थ समझो। इससे पहले हम सिद्धांत की बात में करेंगे, पहले स्थिति परक अर्थ। हम ह्यूमन बिहेवियर एक ऐसी है जिसमें हम हर स्थिति में, कैसी भी स्थिति हो, स्थिति में अलग अलग व्यवहार करते हैं। ऐसा है कि हम स्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं, ऐसा है कोई बताओ मुझे, या नहीं? सिचुएशन के हिसाब से व्यवहार करते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं, मान लिया जाए दोस्तों के साथ आप हो, तब बर्थडे मनाना है, तब देखो अंदाजा क्या होगा, सारी क्रीम कुछ बोल देंगे। टीचर के सामने बर्थडे मनाना हो तो सब करेंगे हैप्पी बर्थडे। पेरेंट के साथ मनाना हो आपका व्यवहार अलग होगा, यू सबसे पहले यू पुट द केक इन योर मदर्स माउथ, माँ को खिलाओ। देखो व्यक्ति वही है, स्थिति वही है, सिचुएशन काम क्या है वही है, लेकिन एनवायरमेंट बदल गया है। ये है स्थिति पर बिहेवियर, सिचुएशनल बिहेवियर। अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग व्यवहार करते हैं, ठीक है, समझ गया आपकी बात। और ओवर एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो गया मतलब? स्थिति पर का मतलब क्या, अलग अलग स्थिति में व्यक्ति वही होता है लेकिन व्यवहार हम अलग अलग करते हैं। वो थप्पड़ मारने वाला देखो ना, दोस्त थप्पड़ मारे तो अलग व्यवहार है, टीचर मार दे तो अलग व्यवहार है, माँ मार दे तो अलग व्यवहार है, प्रिंसिपल से मार दे तो अलग व्यवहार है ना, है व्यवहार। यही स्थिति पर जो व्यवहार हमारा यही है, और इसी के संदर्भ में आज हम डिस्कस करेंगे स्थिति पर सिद्धांत यानी सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। नेतृत्व जो है, लीडरशिप को डिफाइन किया गया है कि व्यक्ति क्यों नेता होता है, क्यों उसके अंदर नेता कोई नेता के गुण होते हैं, ठीक, तो वो क्यों का जवाब दिया जाता है इन सिद्धांतों के माध्यम से। पहले हमने पढ़ा था ट्रेट थ्योरी, पढ़ी थी विशेषता सिद्धांत पढ़ा था, टुडे वी आर स्टडी सिचुएशन। नेक्स्ट, इस पहले हम देखते हैं इसमें तो स्थिति पर सिद्धांत दृष्टिकोण या उपागम। आपको मैंने कल भी बताया था, अगर आपके पेपर में लिख कर ये आता है स्थिति पर सिद्धांत की व्याख्या करो, या स्थिति पर दृष्टिकोण की व्याख्या करो नेतृत्व के, या उपागम की व्याख्या करो, तीनों चीज एक ही है, इट कैरीज सिमिलर मीनिंग। अब इसका अर्थ क्या होता है, मैं ये स्थिति पर सिद्धांत नहीं, ये स्थिति पर सिद्धांत का अर्थ होता क्या, पहले तो आप समझो, सबसे पहले उस चीज को आप समझो, ठीक है, और वो क्या चीज है। मैं आपको बता रहा हूं स्थिति को हम परिस्थिति बोल सकते हैं, सिचुएशन, परिस्थिति दृष्टिकोण को स्थिति की मांगों के अनुसार, यहां पर एक पॉइंट है, स्थिति की मांग, डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। आप जिस स्थिति में रह रहे हो, जिस स्थिति में पढ़ रहे हो, उस स्थिति की कुछ मांग होती होती कि नहीं होती, बताओ आप मुझे। एवरी सिचुएशन हैज सर्टेन डिमांड्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड्स वी बिहेव। बताओ इस बात का मतलब आपको समझ में आ गया है, हर स्थिति की कुछ मांग होती है और मांग के अनुसार ही हम अपना व्यवहार करते हैं। आप मुझे बताओ मांग कैसी, क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम सिचुएशन है, कक्षा की एक स्थिति है, इस स्थिति की एक मांग है आपसे, एक डिमांड है, क्या डिमांड है, कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट करो, शांति जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, उसके बाद उसके ऊपर प्रश्न रेज करो, आप उन प्रश्नों के जवाब भी हम ढूंढेंगे एक दूसरे से मिलकर, इंटरेक्टिव सेशन हो। क्लास में एक स्थिति है, ये स्थिति ये डिमांड करती है कि आप यहां पर आए हो, कुछ सीख कर जाओ, आप समझे ये स्थिति। दूसरी स्थिति देखो, आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, ठीक है, आपके दोस्त पिंडी को कुत्ते ने पकड़ लिया, उस स्थिति की क्या डिमांड है, उस स्थिति की ये डिमांड है कि आपके ये डिमांड है क्या कि नहीं शांति से खड़े रहो, अहिंसा के ग्रुप खड़े रहो, कुत्ते को करते रहो, ये डिमांड उस स्थिति की क्या डिमांड है, उनको लड़ मारो, पूछ पकड़ के कुत्ते उठा के फेंको, किसी तरह से अपने दोस्त की पिंडी जुटाओ उससे, समझे आप ना, ये है स्थितियों की डिमांड, स्थितियों की मांगे, सिचुएशनल डिमांड्स होती है। पेपर में आप बैठे हो, आप सिटिंग लगी हुई एग्जामिनेशन, स्टैंडिंग एग्जामिनेशन, डिमांड ऑफ द सिचुएशन, कि सिचुएशन की डिमांड है कि शांति का माहौल हो, जो मुझे याद है बढ़िया से इसको लिखूं, बेस्ट मुझे
अच्छी स्कोरिंग हो अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त कर लो, डिमांड को आज कल लोग कह रहे थे कि आज सबसे बड़ी हमारे हरियाणा में डिमांड है नर्मदा तो पूरी की, हमारा तो माहौल है, स्थिति बता रही है कि हमारे यहाँ पर नर्मदा तैयार हो गया भाई, अगर आप नहीं उनके रेट इकट्ठा करेंगे तो आप धरता शुरू हो जाएगा, किसान की मेहनत खराब हो जाएगी। दिस इज द नोन एज द सिचुएशनल डिमांड। अब आप मेरी बात समझे कि नहीं, कितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, स्थिति स्थिति का दृष्टिकोण को स्थिति की मांगों के अनुसार व्यवहार में व्यवहार अल्पकालिक अल्पकालिक को बताओ ये दिन क्या कहते हैं अल्प से बताओ आपने शॉर्ट बढ़ा दिया आपको पता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है अल्पकालिक बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर दूसरा और बताओ ये यू आर राइट शॉर्ट टर्म भी हो सकता है अल्पकालिक और बताओ कम आउट बताओ आप मैंने बताया इंटरनेशनल होना चाहिए सर कुछ तो बोलो आप तुक्के मारो टी से शुरू होता हो टी से वर्ड शुरू होता है वाई से खत्म होता है वाई से खत्म होता है दूसरा वर्ड ई है जो पहला वर्ड टी दूसरा वर्ड ई आखिरी वर्ड वाई तीसरा वर्ड एम टेम्परेरी जिसमें व्यवहार में टेम्परेरी बिहेवियर में संशोधन मॉडिफिकेशन टेम्परेरी कुछ समय के लिए व्यवहार अल्पकालिक संशोधन या अनुकूल अनुकूल होता है अडेप्टेशन अडेप्टेशन का मतलब समझते हो अनुकूल या अडेप्टेशन नहीं पता देखो ये जब तक आपको मैं ये बताता हूँ किसी भी विषय में तक टिल द टाइम यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स तब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा अनुकूलन एयर कंडीशन वातानुकूलन सिचुएशन के अनुसार आपको बदल जाना है उसके अंदर ढल जाना है अनुकूलन ठीक है समझ आते हैं अनुकूलन का मतलब क्या है यही है अब आप देखो व्यवहार में अल्पकालिक थोड़े समय के लिए संशोधन होता है उसमें बदलाव आता है मॉडिफिकेशन होता है और अनुकूलन द्वारा परिभाषित किया जाता है ये है इसकी बात यानी कि इस पूरे लाइन को मैं बताता हूँ तो प्रस्थिति दृष्टिकोण सिचुएशनल थ्योरी ये कहती है कि स्थितियों के अनुसार सिचुएशन के अनुसार व्यक्ति के अंदर टेम्परेरी बिहेवियर मॉडिफिकेशन आता है और व्यक्ति उसमें अडेप्ट हो जाता है आप समझ गए सो आप देखेंगे कि आप खुद ही आम को बड़े चाव से खाने वाले व्यक्ति हैं आम बड़े मजे से खाते हैं मिल जाए तो गुठली को भी अकेले में बैठ के सी कंडीशन अब आपको बता रहा हूँ बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं मजा मजा आता है बट वेन यू गो आप जो है यू कम टू किसी पार्टी में जा रहे हैं बढ़िया यहाँ पर ड्रेसअप किया हुआ है और वहां पर आम रखे हुए हैं आलू सी कंडीशन क्या हुआ चाकू उठाओगे उसको काटते रहो गुठली रख तो दोगे लेकिन मन नहीं करेगा लेकिन वहां पर क्या फिर अगली बार घर पे आप आओगे वही आम मिलेगा आपको तो आप ड्रेस में बांटो जाए बाद में पहले लेट अस चेरिश द स्वीटनेस एंड उसका अरोमा ऑफ द मैंगो वो क्या होता है देखो उस स्थिति में जब उस पार्टी में आप गए हो तो उस स्थिति में आपके व्यवहार में टेम्परेरी बदलाव आया और उस स्थिति के अनुसार आप अडेप्ट हो गए अनुकूलन हो गए आप समझ रहे हैं ये है मेरी इसका यानी कि हम प्रस्थिति दृष्टिकोण को स्थिति की मांग के अनुसार व्यवहार में अल्पकालिक संशोधन अनुकूलन द्वारा परिभाषित किया जाता है दूसरे शब्दों में यह एक प्रकार का व्यवहार में लचीलापन होता है लचीलापन बता रहा हूँ व्यवहार में लचीलापन होता है जहां एक व्यक्ति परिस्थितियों से निकलते संकेतों के माध्यम से अपने व्यवहार में संशोधन करता है ये क्या होता है परिस्थिति निकलते संकेत क्या होते हैं परिस्थिति निकलते संकेत ये है कि आप जैसे यू आर मूविंग आउटसाइड आप जा रहे हो और बढ़िया से आपने ड्रेस पहन रखी है और एकदम से बादल इकट्ठा आ गया क्या होगा परिस्थिति में संकेत दे रही है देर में भी हैवी रेन बहुत तेज बारिश हो सकती है बारिश होकर सारे आपके ड्रेस यू ट्राई टू रेज समथिंग ये संकेत इंग्लिश में एक्सप्लेन करो किसी के लिए हाँ मेनी को सिचुएशन अप्रोच अभी डिस्कस कर ले अब आगे हमारा असली बात आती है परिस्थिति सिद्धांत यानी दृष्टिकोण या उपागम ये होता क्या है जो मैंने बात बताई ना वही है उसको पहले मैंने अर्थ समझाया था अब लीडरशिप का जो नेतृत्व होगा परिस्थिति सिद्धांत ये क्या कहता है लचीलेपन के साथ अनुकूलन यू आर फ्लेक्सिबल एंड अडैप्टिव टू इस
सिद्धांत का अंतर्निहित केंद्रीय घटक होता है। इस सिद्धांत का, इस थ्योरी का, सिचुएशन थ्योरी का जो बेसिक चीज है, केंद्रीय घटक मुख्य बात इसकी जो है, इसका जूस इसको आप कह सकते हो, वो ये होता है लचीलेपन के साथ अडैप्टेशन विद फ्लेक्सिबिलिटी। डॉक्टर पॉल हर्सी और केनेथ ब्लैंकर्ड ने 1969 के नाम पर इसके सिद्धांत का जो है हर्सी ब्लैंकर नेतृत्व सिद्धांत इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोनों व्यक्तियों ने मिलकर इस सिद्धांत को विकसित किया। हर्सी एंड ब्लैंकर्ड, हर्सी ब्लैंकर या ब्लैंकर्ड जिसमें लिखा हुआ है परिस्थिति नेतृत्व सिद्धांत, और कोई ये दोनों देखो जो साइंटिस्ट ये रहे हैं, इन दोनों ने इनके नाम है हर्सी और ब्लैंकर। परिस्थिति आपको पता है नेतृत्व लीडरशिप और सिद्धांत मुश्किल नहीं इसके नाम से जाना जाता है। और जब ये शुरुआत में थ्योरी उन्होंने दी थी 1969 में जब इन्होंने सिद्धांत को दिया था तो इसको उस समय कहा जाता था नेतृत्व का जीवन चक्र सिद्धांत, लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप, इसको पहले 1969 में ये कहा जाता था। 1970 में इसका नाम बदल बदलकर परिस्थिति सिद्धांत दिया गया, नेतृत्व का सिचुएशनल थ्योरी ऑफ परिस्थिति सिद्धांत। परिस्थिति परक नेतृत्व का अर्थ होता है सही लोगों के लिए सही नेतृत्व शैली का चुनाव। यहां का मतलब ब्लैंकर और आरसी ब्लैंकर कहते हैं कि सही लोगों के लिए सही नेतृत्व का चुनाव। अब आप देखो, आप यहां यू आर ए यंग स्टूडेंट्स, आपके समय नेतृत्व की जो जरूरत है आपको लीडरशिप की अलग है। वहीं पर एक बच्चों का ग्रुप हो, 5-5 साल के छह साल छोटे बच्चे घूम रहे हो और 10-12 उनके साथ आप खेलना चाहोगे, 6 बजे समझाओ उनके समय उनकी अलग से बात, उनके समय उनकी जैसी बात करनी पड़ेगी। सिचुएशन के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से नेतृत्व शैली का चुनाव करना ही ये सिद्धांत है। ये आपकी बात है, यानी जैसी आपकी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार इस प्रकार की नेतृत्व शैली हमें वहां इस्तेमाल करनी है, वही परिस्थिति है नेतृत्व सिद्धांत। नेक्स्ट, ये सिद्धांत के अनुसार सबसे अच्छी नेतृत्व शैली वह होती है जो तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप हो। अब आप एक यंग बच्चों के ग्रुप में हो, आप बुजुर्गों के हो, आप घर में कोई फंक्शन का माहौल हो, आप किसी पार्टी में हो या कहीं पर किसी की मृत्यु हो गई, उसमें छेद हो गया हो, वैसी जैसी स्थिति हो वैसी नेतृत्व शैली अपनाई जाए, वही बात है सिद्धांत, वही बात है, कोई फिक्स नहीं है इसमें, ना ऑटोक्रेटिक लीडरशिप है, ना डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, ना लेसिस फेयर है, ना सिचुएशनल है, कुछ नहीं है इसमें, जैसी स्थिति वैसा सिद्धांत। यह सिद्धांत परिस्थिति की जटिलता को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व शैली के चुनाव पर बल देता है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए स्थिति कैसी है और उसी के आधार पर हमें नेतृत्व शैली का चुनाव करना है। इस प्रकार की शैली का सबसे अच्छा उदाहरण स्पोर्ट्स टीम में होती है। स्पोर्ट्स टीम होती है जहां पर तेजी से बदलते घटनाक्रम के अनुसार नेतृत्व शैली का चुनाव होता है। आप देखो एक हॉकी की टीम खेल रही है, क्रिकेट की टीम खेल रही है, मान लीजिए अभी आपको एग्जाम्पल क्रिकेट बहुत ज्यादा देख रहे हो, उसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं फुटबॉल का एग्जाम्पल आप देखे, देखो फुटबॉल की टीम खेल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है आगरपुर की और दरोली के साथ मैच हो रहा है, दरोली वाले बिल्कुल ठुस, बिल्कुल ऐसी इस टाइप से बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, क्या करोगे आप, चलो यार खेले थे 2-4 गोल रन मार के ऐसे कैसे निकलो, वहीं पर आपको एक मुकाबला हिसार की टीम के साथ हो गया तब देखो नेतृत्व शैली थोड़ा आपको बदलना पड़ेगा। ये और गेम खेलते वक्त भी कभी अग्रेसिव होना पड़ता है, कभी डिफेंसिव होना पड़ता है, कभी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, कभी आपने देखा टीम में कभी गेम खेला क्रिकेट में, देखो क्रिकेट में खेल तो कभी 162 का मिला था पाकिस्तान के बड़ा आसानी से हरा दिया था, समटाइम्स यू विल फाइंड कि स्कोर 350 होता है, उस बात ही छक्के छक्के धड़ाम मार धार शुरू हो जाए आउट हो जाए, अब देखा ना अग्रेसिव स्टाइल खेलते हैं। तो स्पोर्ट्स टीम के अंदर ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जहां पर परिस्थिति पर सिद्धांत या सिचुएशनल थ्योरी वहां पर अपने को दिखाई दे। नेक्स्ट, नेतृत्व शैली का चयन तत्कालिक कार्य इमीडिएट काम क्या है, ये जो फैक्टर्स यहां दिखाई जा रहे हैं ये बता रहे हैं कि कब हम सिचुएशनल नेतृत्व परिस्थिति पर शैली का चुनाव करते हैं, कब करते हैं, किसके आधार पर किया जाता है, कब कौन सी नेतृत्व शैली इस्तेमाल होगी, वो किस आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले तत्कालिक कार्य इमीडिएट काम क्या है, और जब इमीडिएट वर्क टास्क स्थिति से उत्पन्न संकेत कैसे संकेत हमें दे रहे हैं उसके आधार पर नेतृत्व शैली होगी। समूह का व्यवहार कैसा है, आज आपका समूह का व्यवहार अच्छा नहीं है, आप लड़ने के मूड में हो, कहीं कोई पंगा हो गया बाहर और मैं आपको अहिंसा पाठ पढ़ाऊं, सर कहे आप क्या कहोगे, सर 5 मिनट हो गया उधर बोल लेकर शुरू कर दो, आज हम बात कर लो आपसे बात बात करें, सिविल से दैट
क्योंकि स्थिति अलग है, समूह का व्यवहार, समूह का आकार, अगर समूह छोटा है और समूह बड़ा है उसके हिसाब से भी सदस्यों के बीच समन्वय का स्तर यानी आपके बीच कोऑर्डिनेशन कैसा है, सदस्यों की जरूरतें डिमांड्स ऑफ फोर्स क्या क्या उनकी नीड्स है, वो सदस्यों और नेता के बीच संबंध, नेता और सदस्यों के कैसा संबंध है, कार्य की जटिलता का स्तर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क कितना मुश्किल और कितना आसान काम है, समूह के नेता के सदस्यों पर नियंत्रण, नेता की बात पर कितना मरने को तैयार हो जाते हैं लोग, ऐसा नियंत्रण कितना कंट्रोल है, सदस्यों की परिपक्वता का स्तर कितनी मैच्योर है सदस्य, अनुयायियों की क्षमता और प्रतिबद्धता यानी जो सदस्य है आप कितने प्रतिबद्ध है, अगर कोई बात आपको फायदे तो आप उस काम को कमिटेड कितने हैं उसको पूरा करने के लिए, तथा स्थिति की मांग, स्थिति क्या मांग करती है, आदि पर निर्भर करता है, क्या निर्भर करता है, इतनी सारी बातें मैंने बोली, क्या निर्भर करता है, नेतृत्व शैली का चयन कि कौन सी स्थिति में कौन सा नेतृत्व का इस्तेमाल करना, कौन सी शैली इस्तेमाल करनी है, वो इन सब बातों पर निर्भर करती है। अगर देखिए पॉइंट वाइज बनाए तो स्लाइड बड़ी होती है, मैंने ऐसे बनाया इसको, तो आप समझ सकते हैं दीज आर द सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी लीडरशिप स्टाइल को चुनेंगे। ये सिचुएशन थोड़ी ये बताना था। अब कुछ विशेषताएं सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशनल थ्योरी यानी परिस्थिति पर नेतृत्व शैली की कुछ विशेषताएं आप देखें। जो नेता सिचुएशनल शैली नेतृत्व शैली का इस्तेमाल करता है उसके अंदर कुछ विशेषताएं पाई जाती है। पहली विशेषता अंतर्दृष्टि इनसाइड होती है इसके अंदर, यानी नेता अपने अनुयायियों की जरूरतों को समझने में सक्षम होना चाहिए। मान लिया जाए हम एक ग्रुप के हैं और मैं भाषण दे रहा हूं सुबह से लेकर और एक बजने वाला है, आपकी हालत खराब हो रही, भूख प्यास से हालत खराब हो रही, किसी को टॉयलेट जाना है और मैं भाषण वाषण जाने जा रहा हूं, क्या होगा, आप सुनोगे, ध्यान तो हो जाएगा, कब छोड़े यार, पता नहीं क्या होगा। ऐसी स्थिति में नेता के अंदर अंतर्दृष्टि होनी चाहिए, हाँ आवाज में भूख ठीक हो, अब क्या होगा, थक गए चलो थोड़ा रेस्ट कर जाए, ये अंतर्दृष्टि, मतलब आपकी जरूरतों को भाप जाना चाहिए उसके तरफ, लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए व्यवहार में कि भाई आज किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, कि अगर आज ऐसी स्थिति है तो आप देखोगे कई बार हमें लचीले हो जाते हैं, होते देखे हम लेते हैं, कई बार बच्चे उल्टा बोल जाते हैं सर आपको देख ले, हमें मजाक में कहते सर मैं देख लेना, हमें मुझे पता है कि दैट यंग बॉय इज फुल ऑफ जोश, उसके अंदर जोश है, अभी गुस्से में फिर थोड़ी देर घटने पा जाएगा, सर सॉरी नहीं मैंने आपको देखा, मैंने कोई बात नहीं बेटा ऐसा होता है, ये लचीला पता है, वहां आ जाऊं मैं प्रोफेसर मुझे ऐसी बात कहीं कहते तो मुझे लफड़ा हो जाएगा ना, मुझे लफड़ा हुआ वो ब्लड लेके आ जाएगा, मैं अभी शुरू हो गया तो फिर अंदर क्या हुआ, दिस मीन्स एक नेता के अंदर लचीला होना बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी, भरोसा अनुयायियों का अपने नेता पर भरोसा, अगर कोई नेता आपको कोई बात कहता है तो आपको उसमें भरोसा होना चाहिए कि वाकई में ये बात काम कर देगा नहीं कर देगा, और हमारे अंदर जब तक भरोसा नेता और अनुयायियों में भरोसा नहीं होता है तब तक वो नेता नहीं होता। तो सिचुएशनल जो शैली है उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अंतर्दृष्टि हो नेता में, लचीलापन हो उसके व्यवहार में हो और दोनों बीच में एक दूसरे पर भरोसा हो, तीसरी समस्या समाधान, कोई प्रॉब्लम आ जाए दैट लीडर शुड बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे लोग अगली बार मौके देंगे, ये सही है। एंड द लास्ट इज मूल्यांकन करता लोगों की परिपक्वता पर, यानी कितने वो मैच्योर है, कितनी उनकी एबिलिटीज है, उन सब का मूल्यांकन, बिल्कुल सटीक मूल्यांकन करने का गुण होना चाहिए। आप देखोगे ग्रुप्स में आप जब जाते हैं तो कुछ लोगों को लोग छांट लेते हैं, तुम आ जाओ दोनों एक करना, क्योंकि मूल्यांकन कर लेते हैं कि ये लड़का है लड़की जो भी काम कर सकते, बाकी दर्शी है वो करने वाले, आपने राजनीतिक पार्टी देखा हुआ ना, छांट लेते हैं कि कोई ना कोई ऐसा स्पोक्समैन बनाएंगे, ऐसा लीडर छाट के बनाएंगे जो बहुत सारे जो स्थिति को संभाल ले, क्योंकि वो सब किसी से होता है, नेता के अंदर मूल्यांकन की एबिलिटी होती है कि ये लड़का पढ़ सकता है, ये लड़का पढ़ नहीं सकता, मान लिया कुछ काम लेकर दे दू तो चार पेज लिखने एक तो मुझे तब लग जाएगी हाँ ये तो कर सकता है, ये और उसको दे दिया, हुआ क्या जहां कुछ लिख रहा था हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदी में रखा, जैसे स्याही नहीं जो है ना चिट्ठी को भिगो के छोड़ दिया, मूल्यांकन करता उसकी जो नजर पहनी होनी चाहिए, मानसिक जो उसकी नजर होती है ताकि उसकी जबरदस्त नजर पहनी होनी चाहिए ताकि वो बिना मूल्यांकन कर ले कि हमारे एरिया कितनी परिपक्व कितने मैच्योर, ठीक है। तो
बस इसलिए चीज हो लाभ इस शैली का लाभ घट है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी, क्या क्या लाभ है इसके? सबसे पहले देखो लचीलापन होता है. एक कारण क्या होता है कि विफलता की संभावना कम होती है. अगर आपके व्यवहार में लचीलापन है तो लीडरशिप की विफलता की संभावना काफी कम होती है. दूसरा देखो, एक प्रकार की शैली अगर हम रोज एक ही तरह से पढ़ाए तो क्या होगा? बैठते ही मोनोटोनी हो जाती है. तो ऊब की जो समस्या होती है क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से आप यहाँ पर कुछ और लीडरशिप हो, बाहर कुछ और लीडरशिप है, आपको पता है कि बदलता जाएगा, ऊब मोनोटोनी कम होती चली जाएगी. एक शैली में जो कमियां हो ये उसको दूर कर देती है, क्योंकि एक शैली आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाहर दूसरी शैली इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ की जो कमी बाहर भी जाएगी. आप समझे इसको? तीसरा, यह शैली नेता को वास्तविक समय के आधार पर सोचने के लिए प्रेरित करती है कि रियल टाइम पर अब एक्चुअल में क्या हो रहा है. फिलोसफी में बहुत कुछ लिखा कि आपको कि लीडरशिप को ऐसा होना चाहिए, नेता को ऐसा होना चाहिए, नेता को बहुत कूल होना चाहिए, अब ठंडा होना चाहिए, नेता को उनकी बात सुननी चाहिए, उन्हीं में लट बता वो आपस में, नेता कूल खड़ा रहेगा उनके सिर फूट जाएंगे. तो उसके लिए क्या है, फिर बीच में बीच बचाव करना है, यानी कि रियल टाइम बिहेवियर वास्तविक समय के अनुसार उसका व्यवहार होना चाहिए. और आप देखें यह शैली उपयोग करने और अभ्यास करने में आसान. These were the advantages and let us see the disadvantages. इसकी कुछ कमियां भी हैं. ऐसा नहीं कि मैंने जो है इसको चढ़ा दिया और कम बता के इतना फायदा. There are certain disadvantages. देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आदमी जो इमीडिएट गोल होते हैं उन्हीं पर ध्यान देता है, जो मुख्य लक्ष्य है केवल उसे भटक देते हैं, क्योंकि स्थिति के अनुसार नेतृत्व शैली इस्तेमाल की जाती है. उसके बाद उनका क्या होगा, जो मेन मुख्य लक्ष्य से आप उससे भटक जाएंगे. ठीक, मान लीजिए स्थिति आज आपकी स्थिति बोरिंग, आज पढ़ने का मन नहीं रहा, तू खेल के आयो, चलो छोड़ो गया नहीं पढ़ कहेंगे, चलो टीचर भी खुश, चलो नहीं पढ़ा. सिचुएशन के हिसाब से काम तो ठीक है आपका, कल भी आपको असर नहीं आप बर्बाद हो गया, चलो नहीं पढ़ा, कल भी ठीक. और लॉन्ग टर्म क्या है, रिजल्ट आएगा रही आ गया, देखो क्या होगा ना, वो भूल गया ना उसने. इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि तत्कालिक लक्ष्य को जब उसका ध्यान होता है उसके चक्कर में जो दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं ना उस पर ध्यान कम हो जाता है ऐसी क्यों. नेक्स्ट देखो, नेतृत्व शैली अगर नेता के अवलोकन और निर्णय पर निर्भर करता है, ये फैसला कौन करेगा कि किस प्रकार का नेतृत्व करना है, ये फैसला लीडर करता है. वो सोचेगा व्याज जो है मेरी व्याज बच्चे नहीं पढ़ाते, ऑब्जर्वेशन हो सकता है मेरी ऑब्जर्वेशन गलत हो, मेरी व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है ना, उसके आधार पर कई बार गलत फैसला ले लेता है. एक नेता द्वारा अनुयायियों की परिपक्वता स्तर को मापना, अब आप कितने मैच्योर हो मुझे क्या पता, कैसे मापूंगा, कोई टेस्ट तो है नहीं. जैसे कोई दूध नापने वाला हो, आपकी परिपक्वता भी दूध की तरह नाप होता है, तब तो बात बदले, परिपक्वता भी मुझे अपने दिमाग से नापनी है, या किसी नेता को आपकी कैसे पता मैच्योरिटी, मैं मैच्योरिटी की बात कर दूं ऐसी और पता चलेगा आपके आपको जाकर कैप्टन शुरू, मैं इतने मैच्योर नहीं हूं. फिर आप ये बात करते हैं वहां कभी ऐसा कि वैसा होता है ना, बात कहते हैं बच्चों का सर आपने ऐसा कह दिया, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. यानी मैं परिपक्वता को नापना काम मुश्किल होता है. और अंत में देखो, नेतृत्व शैली में निरंतर बदलाव के कारण व्यक्ति में नेतृत्व संबंधी निपुणता नहीं होता. होता कभी कभी आप माने मैं खुद हूँ आज साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, कल मुझे कहते मैथ पढ़ा दे, फिर कहते इकोनॉमिक्स पढ़ा दे, फिर कहते बीस पढ़ा दे, फिर क्या होगा, आई एम जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉलेज, ना मुझे मैथ आएगा बीस आएगा कुछ नहीं आएगा, ऐसा होता है ना. तो कोई भी है ना, अलग अलग नेतृत्व शैली में लगातार वो अगर बदलाव करता रहता है तो किसी एक नेतृत्व शैली में वो निपुण नहीं होगा. ठीक है, चलो ये डिसएडवांटेज थी. अब देखो ये रेफरेंस, ये पेज देखकर तुम बहुत खुश होते हो, बड़ी खुशी मिलती है आपने आगे, कोई बात नहीं. अगला व्याख्यान, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा इंटरेक्शनल थ्योरी. मैंने नई चीज ऐड करी है कि आपको पता चल जाएगी नेक्स्ट क्या, इंटरेक्शनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप. चलो नेक्स्ट आप मुझे बताओ, ये हमारा था, ये हमारा सिचुएशनल थ्योरी ऑफ लीडरशिप थी. कोई प्रश्न, कोई डाउट आपको इसमें है? हमने कैसे पढ़ा सिचुएशन के स्टार्ट, हमने पढ़ा कि लीडरशिप क्या है ये पढ़ा, इसकी क्या क्या एडवांटेजेस हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज. ठीक है, कोई प्रश्न आपका फिर से पूछ रहा हूँ, नहीं है, ओके, थैंक यू.